नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन से। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, जिसमें सारे लोगों ने अपने अपने मतदाताओं ने वोट का प्रयोग किया। वहीं चुनाव जालौन की बात करी जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न हुए। अगर बात करी जाए तो समाज सेवी अलीम सर ने अपने मत का प्रयोग किया और लोगों को आगाह किया कि आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें, शत प्रतिशत अपने वोटों का प्रयोग कर चुनाव में वोट डालें। इसी को लेकर अगर बात करी जाए तो तकरीबन जालौन में 5,000 से ज़्यादा नए मतों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें गणेशगंज के रहने वाले अपने मत का प्रयोग कर अमन खान ने लोगों से ज़्यादा मत करने का अपील की है। हम इस देश के एक नागरिक हैं और नागरिक के तौर पर हमने अपना कर्तव्य निभाया है और हमने उस प्रतिनिधि को चुना है जो ईमानदार है, लगनशील है, काम करने वाला है और जो हमारा दायित्व था उसको हमने पूर्ण किया। और ये हमारा पहला मतदान था जो हमने किया है और बस मेरा सामाजिक कार्यकर्ता सर, मेरा वोट ऐसे प्रतिनिधि के लिए है जो पूरी नगरी निकाय गठन में क्लीन एवं ग्रीन शहर को रखने में कदम बढ़ाए, रेहड़ी पट्टी फुटपाथ पर बैठने वाले मजदूरों के लिए व्यवस्था करे, गरीब रोजगारों को व्यवस्थित करे और शहर में जो जाम की स्थिति है, शहर जो जाम से जकड़ा हुआ है, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करे जिससे शहर का जाम से शहर के लोग निजात पा सकें। और उसके अलावा शहर के नाले और सड़कों का सड़कें बना के सुंदरीकरण हो और नालों की साफ सफाई हो। इसी के साथ हम लोगों ने 2023 में पुरई नगर पालिका प्रत्याशी को ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो स्वच्छ, ईमानदार और विकास पुरुष के श्रेणी में आता है। खबरों को देखने के लिए जुड़ा वार्ड नंबर 4 से बगोरा क्षेत्र।